प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लालकुआ पहुंचकर कारगिल शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करते हुए स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही बिंदुकता के सैकड़ों पूर्व सैनिकों का परिचय प्राप्त करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिकों के द्वारा की जा रही मांगों को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से मिलकर उनके समाधान का हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही और बिंदुकता पूर्व सैनिक संगठन को 1,00,000 की सहायता राशि देने की बात की। आपको बता दें कि इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में 4 धामों के अलावा 5वां धाम सैनिक धाम है, जिसको लेकर प्रदेश की सरकार शहीदों के कल्याण के लिए कई कार्य कर रही है। बिंदुखत्ता के सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए शहीद स्मारक के निकट जगह भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। पूर्व सैनिकों के राजनीतिक ग्राउंड में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। सबसे पहले आकर मैंने सही स्मारक में शहीदों को नमन किया। ये वीरों की भूमि है, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई सैनिक हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, शहीद तो देश के लिए शहीद होता है। और इन शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार देहरादून में एक विशाल सैनिक धाम बना रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि यहाँ पर बद्री, केदार, गंगोत्री, जमनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैनिक यहाँ पर होना चाहिए। अपने पिछले कार्यकाल में हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उस पवित्र मिट्टी को लेकर हम आए और उससे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका भूमि पूजन किया है। दिसंबर 24 तक हम उस सैनिक धाम को पूरा करेंगे। म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की